हाउ आर यू ऑल। आई होप एवरीवन इज फाइन। आज किस वीडियो का टॉपिक होगा? इंग्लिश लिटरेचर में पोएट्री के अंदर वर्स फॉर्म जिसको बोलते हैं, उसमें मीटर एंड फीट क्या होता है, अक्सर वहां से क्वेश्चन आते हैं। एक फैक्ट जरूर जान लीजिए, एम एच अब्राम के लिटरेरी टर्म से लास्ट ईयर 15 क्वेश्चन आए थे, और उनको अगर इस वे में अच्छे से समझ लेंगे इस बुक से, तो आई होप यू विल क्रॉस 100+ मार्क्स। अगर 100+ मार्क्स लाने हैं तो उसका तरीका यही है, एम एच अब्राम और अच्छी वोकैबुलरी के साथ एक स्पेलिंग, ये आपकी पावर होनी चाहिए। अगर ये चीज है तो 100+ मार्क्स आपके आसानी से आ सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं, जानेंगे व्हाट इज मीटर और मीट्रिकल लाइन, साथ साथ फुट और कौन कौन से फुट इंग्लिश वर्ड्स में यूज किए गए हैं। सो लेट बिगिन। मीटर, व्हाट इज अ मीटर? जनरल लाइफ में हम मेजरमेंट के लिए मीटर वर्ड का यूज करते हैं, साथ साथ फुट का भी यूज करते हैं, सेंटीमीटर्स का यूज करते हैं। तो उसी की एक यूनिट मान लीजिए कि किसी पोएट्री या वर्स के अंदर किसी लाइन की लेंथ कितनी है वो डिपेंड करता है उसमें कितने फुट है, और साथ साथ उस लाइन का जो नाम दिया जाता है वो डिपेंड करता है कि उसमें कितने तरह के फुट यूज हुए हैं। तो मीटर एक रिकरेंस है, बार बार होने वाली चीज जिससे रिदम बनता है, उसी चीज को रिकरेंस बोलते हैं, इन रेगुलर यूनिट। किसी स्पीच साउंड के बार बार रिपीट होने से जो एक सीक्वेंस में रिदम बनती है उसी को मीटर बोला जाता है। ये डिपेंड करता है कि उसमें किस तरह के सेलेबल और किस तरह के फुट यूज किए गए हैं। तो मीटर मतलब रिकरेंस, पोइट्री के अंदर जो बार बार उतार चढ़ाव, जो रिदम बनती है, बार बार जो साउंड रिपीट होती है, उसी को रिकरेंस बोला गया है, और उसी से बनता है एक मीटर। तो यहाँ पर बात की गई है कि यहाँ चार तरह के मीटर होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लासिकल ग्रीक टाइम में, जो मीटर का यूज किया गया है उसका जो बेस था वो था कि कितने तरह के मीटर यूज किए गए, मीन्स क्वांटिटिव बेस पर थे वो, ठीक है। क्लासिकल जो ग्रीक टाइम और साथ साथ लेटिन में जो मीटर यूज किए गए हैं उनका बेस क्या था? क्वांटिटिव, मीन्स उसमें कितनी देर के लिए सेलेबल की साउंड बार बार रिपीट हो रही है। उसके बाद बात आई है फ्रेंच और रोमन लैंग्वेज में, इसका जो आधार है कि उसमें कितने तरह के सेलेबल यूज किए गए हैं। सेलेबल स्मॉलेस्ट यूनिट होती है साउंड की, और ऐसे कितने सेलेबल यूज किए गए हैं उनके नंबर पर जो डिपेंड करती है, ये फॉर्मूला रहा है रोमन मीट्रिकल लाइंस का। उसके बाद अगर ओल्ड इंग्लिश की बात करें तो इसमें जो मीटर का बेस रहा है वो है कि वो जो साउंड है वो एक्सेंटेड है या अनएक्सेंटेड है, मीन्स एक लॉन्ग साउंड है या शॉर्ट साउंड है, इस बेसिस पर इनका रहा है। और जो फोर्थ टाइप है उसका बेसिस भी एक्सेंटेड और सेलेबल दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो मीट्रिकल लाइंस इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनती है, अलग अलग ओरिजिन में, ग्रीक में भी, रोमन में भी, ओल्ड इंग्लिश में भी, ठीक है। और करंट में जो इंग्लिश चल रही है वो जो कॉम्बिनेशन है वो एक्सेंटेड सेलेबल का ही कॉम्बिनेशन है। तो सेलेबल क्या होता है? तो अब हम ये जानेंगे, सेलेबल एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है साउंड की, और दो सेलेबल से मिलकर एक फुट बनता है। क्या? टू सेलेबल मेड वन फुट। और किसी लाइन में कितने फुट यूज हुए हैं यही डिसाइड करता है कि वो कैसी मीट्रिकल लाइन होगी। अगर उसमें दो सेलेबल हुए इसका मतलब एक फुट यूज हुआ है, तो उसको मोनोमीटर बोला जाएगा। ये अब सारे डिटेल्स हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो इस मीट्रिकल लाइन से, इसमें फुट यूज करने से, सेलेबल यूज करने से, उनके रिकरेंस होने से क्या बनता है? एक रिदम पैटर्न बनता है, और इस रिदम पैटर्न का बेस होता है स्ट्रेस एक्सेंटेड साउंड या फिर अनस्ट्रेस अनएक्सेंटेड साउंड। जब उसमें किसी सेलेबल को स्ट्रेस के साथ बोला जाता तो उसकी आवाज शॉर्ट होगी, तो उसको शॉर्ट बोला जाएगा, शॉर्ट सेलेबल, या स्ट्रेस बोला जाएगा। और जब उसको स्ट्रेस नहीं किया जाएगा तो वो अनस्ट्रेस हो जाएगा, मीन्स अनएक्सेंटेड सेलेबल हो जाएगा। तो हम पहुंचते हैं डायरेक्ट कि फुट क्या होता है। अब मीटर के साथ साथ फुट जानना जरूरी है क्योंकि उसी से मीट्रिकल लाइन बनती है। फुट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस एंड एसोसिएटेड विद वीक स्ट्रेस। दो तरह के सेलेबल होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस होगा और एक वीक स्ट्रेस होगा, मीन्स एक स्ट्रेस और एक अनस्ट्रेस। जो स्ट्रेस सेलेबल होगा उसको शॉर्ट सेलेबल भी बोला जाता है, और जो अनस्ट्रेस होगा उसको वीक या लॉन्ग सेलेबल बोला जाता है। यही वर्ड ग्रीक और रोमन के कॉम्बिनेशन है, ये रिपीट हो रहे हैं। तो जान लेते हैं कि फुट कौन कौन से इंग्लिश में यूज होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट और पॉपुलर फुट है वो आयम फुट है, जिसको आयम्बिक बोला जाता है। आयम्बिक एक एडजेक्टिव वर्ड है जो नाउन से बना है, नाउन मीन्स आयम्बस। तो आयम्बस फुट क्या है? ये दो सेलेबल का कॉम्बिनेशन है, एक फुट में दो या ज्यादा सेलेबल भी हो सकते हैं, सब चीज जानेंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो आयम्बिक फुट या आयम्बस फुट क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन है अनस्ट्रेस्ड सेलेबल फॉलोड बाय अ स्ट्रेस सेलेबल।
कॉम्बिनेशन क्या है, अनस्ट्रेस सिलेबल मीन्स ये लॉन्ग सिलेबल है पहले और फिर लास्ट में क्या है शॉर्ट सिलेबल है, अनस्ट्रेस एंड स्ट्रेस। आई एम फुट का इंग्लिश वर्ड्स में सबसे ज्यादा यूज किया गया है, आई एम बिग पेंटामीटर आप पढ़ते हैं, ब्लैंक वर्स आप पढ़ते हैं, हीरोइक कपलेट आप पढ़ते हैं, हीरोइक क्वाट्रेन हम पढ़ते हैं, इन सभी में आई एम बिग फुट का यूज किया गया है। आई एम बिग पेंटामीटर के नाम से आप जानते हैं, मीन्स आई एम तो फुट का नाम है और पांच ऐसे फुट यूज हुए हैं तो वो पेंटामीटर बन जाता है, तो आई एम बिग पेंटामीटर ही सबसे ज्यादा यूज हुआ है ब्लैंक वर्स में। एलिजाबेथन टाइम में जो शेक्सपियर के सोनेट लिखे गए उसमें सब में आई एम फुट यूज हुआ है, हीरोइक कपलेट, हीरोइक क्वाट्रेन ये सब आयम्बिक फुट में ही लिखे गए हैं। तो आयम्बिक फुट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अनस्ट्रेस एंड स्ट्रेस। पहले क्या होगा, अनस्ट्रेस होगा मीन्स लॉन्ग होगा और फिर स्ट्रेस सिलेबस होगा मीन्स शॉर्ट सिलेबल बाद में आता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रोकी। डायरेक्ट हम थर्ड नंबर पे इसलिए पहुंच गए क्योंकि आयम्ब का ठीक अपोजिट होता है ट्रोकी। ट्रोकी एक जो फुट होता है उसमें पहले स्ट्रेस आएगा, आप नोटिस करेंगे आयम्बस में बाद में स्ट्रेस आता है लेकिन ट्रोकी में पहले स्ट्रेस आता है और बाद में फिर अनस्ट्रेस आता है। दिस इज द कॉम्बिनेशन, आप नोटिस कर लीजिए, वहां पर स्ट्रेस पहले था और यहाँ पर स्ट्रेस, सॉरी अनस्ट्रेस पहले था और यहाँ पर अनस्ट्रेस बाद में है। आयम्बिक फुट में वहां पे लास्ट में स्ट्रेस आता था और ट्रोकी में पहले स्ट्रेस आता है, ठीक इसका अपोजिट रख दीजिए तो आयम्बिक जानते ही आपको ट्रोकी याद हो जाएगा। आयम्बिक अनस्ट्रेस स्ट्रेस और ट्रोकी स्ट्रेस अनस्ट्रेस। अब हम जानते हैं एनापेस्टिक। एनापेस्टिक एक फुट है जिसमें कितने थ्री फुट होते हैं, सॉरी थ्री सेलेबल होते हैं, देर आर थ्री सेलेबल। एनापेस्टिक में कितने सेलेबल होते हैं, थ्री सेलेबल। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, टू अनस्ट्रेस होंगे और वो फॉलो करते हैं स्ट्रेस सेलेबल को। मैं इसको हटा देता हूं, तो एनापेस्टिक में थ्री सेलेबल है और जो स्टार्टिंग के दो सेलेबल होंगे वो अनस्ट्रेस होंगे। आयम्बस में क्या था, पहले वन अनस्ट्रेस था फिर स्ट्रेस था और इसमें स्टार्टिंग के दोनों ही अनस्ट्रेस है एनापेस्टिक में, ठीक है, और उसके बाद एक आता है स्ट्रेस सेलेबल। दो अनस्ट्रेस और फिर दो अनस्ट्रेस फिर वन स्ट्रेस, ये कॉम्बिनेशन है एनापेस्टिक फुट का, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एनापेस्टिक सेलेबल फॉलोज स्ट्रेस अनस्ट्रेस अनस्ट्रेस या अनस्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस, इस तरह से आपको चार ऑप्शन दे देंगे। तो एनापेस्टिक रिप्रेजेंट टू अनस्ट्रेस फॉलोड बाय वन स्ट्रेस, पहले दो अनस्ट्रेस होंगे इसको लॉन्ग फुट बोलते हैं और लास्ट में शॉर्ट फुट होगा। ठीक इसका अपोजिट होता है डेक्टाइल, ठीक इसका अपोजिट होता है डेक्टाइल। डेक्टाइलिक फुट ये क्या है, स्टार्टिंग में शॉर्ट सेलेबल होगा, ठीक उसका अपोजिट है, और जिसमें दोनों अनस्ट्रेस बाद में आएंगे। आई होप इट इज क्लियर, ये ठीक अपोजिट है, इसमें स्ट्रेस स्टार्टिंग में था लेकिन यहां पर स्ट्रेस इसका कॉम्बिनेशन एनापेस्टिक से है। एनापेस्टिक में अनस्ट्रेस पहले आते हैं लेकिन वहां पर अनस्ट्रेस बाद में आ रहे हैं, आप नोटिस करेंगे यहाँ पे पहले आए अनस्ट्रेस और यहाँ पे दोनों बाद में आए, यहाँ पर स्ट्रेस लास्ट में था लेकिन डेक्टाइल में स्ट्रेस स्टार्टिंग में है। ठीक आप समझ लीजिए हमारी जो ये फिंगर है इसकी जो फिंगर जो लाइंस है इसको डेक्टोलॉजी बोलते हैं, जो पामिस्ट होते हैं तो जो लाइंस होती है इनकी जो स्टडी कहलाती है वो डेक्टोलॉजी के अंदर की जाती है। अगर आप फर्स्ट पोर्शन देखेंगे ये शॉर्ट है, तो डेक्टाइल फिट में फर्स्ट जो सेलेबल होगा वो स्ट्रेस होगा शॉर्ट होगा और जो लास्ट के दोनों होंगे वो अनस्ट्रेस होंगे मीन्स वो लॉन्ग होंगे। दिस इज द डेक्टाइलिक मेजरमेंट, पहला शॉर्ट और दोनों लॉन्ग, और ठीक इसका अपोजिट होता है एनापेस्टिक। एनापेस्टिक में दो अनस्ट्रेस दो लॉन्ग और लास्ट में वन शॉर्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड विद दिस मेथड। इन लाइन के पैटर्न को, इन लाइन की स्टडी को डेक्टाइलोजी बोलते हैं, और डेक्टाइल फुट में पहले शॉर्ट आएगा दो लॉन्ग बाद में आएंगे, और इसका अपोजिट एनापेस्टिक होता है उसमें दो अनस्ट्रेस मीन्स दो लॉन्ग पहले आएंगे और बाद में अनस्ट्रेस आएगा शॉर्ट फुट। आई होप इट इज क्लियर, ये चार फुट के नाम आप जान लीजिए। सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सा है इसमें, आयम्बिक फुट, उसको अपोजिट होता है ट्रोकी, जो
अनस्ट्रेस स्ट्रेस होता है और इसमें स्ट्रेस अनस्ट्रेस होता है। टेक्नोलॉजी में पहले शॉट आता है, दो लोंग बाद में होते हैं, लेकिन एनापेस्टिक में दो अनस्ट्रेस, दो लोंग पहले आएंगे और बाद में शॉट आएगा। ये 4 फुट याद कर लीजिए। अब एक लाइन में कितने फुट यूज किए गए हैं उसी से बनता है मेट्रिकल लाइन। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है और अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज भी रहते हैं, चीजें समझ में नहीं आती। इन पूरी स्टडी को प्रोसोडी बोला जाता है। तो आइए अब हम जानेंगे कि मेट्रिकल लाइंस को कैसे बनते हैं। यहां पर हम क्लियर कर चुके हैं कि 1 फीट 1 फुट इज इक्वल टू, 1 फुट इज इक्वल टू 2 सिलेबल। 1 फुट में कितने सिलेबल होते हैं? 2 सिलेबल होते हैं, क्योंकि ग्रीक जो जिस सिस्टम में, क्लासिकल सिस्टम में, वहां पर फुट के बेसिस पर नहीं, सिलेबल के बेसिस पर मेट्रिकल लाइन का आइडेंटिफिकेशन होता था। हमने स्टार्टिंग में क्वांटिटी बेस पर जाना था, तो वहां पर फुट भी आ सकता है, वहां पर सैलेबिक भी आता है। मिल्टन का एग्जाम्पल देखेंगे, उसने ऑक्टो सैलेबिक लाइन में अपना एल एलिग्रो एल एन पेंसरोसो लिखा है। ऑक्टो सैलेबिक का मतलब हुआ उसने टेट्रामीटर में लिखा है, इंग्लिश में जिसको हम टेट्रामीटर बोलते हैं, 4 फुट जिसके अंदर होते हैं। ग्रीक वे में उसको सेलेबल के बेसिस पे बोला गया है, ऑक्टा सेलेबिक मीन्स 8 सेलेबल वाले लाइन। ठीक पेंटामीटर को इंग्लिश में पेंटामीटर बोलते हैं, लेकिन अगर ग्रीक ग्रीक पोइट्री के अकॉर्डिंग देखेंगे उसको डेका सेलेबिक बोला जाता है, मतलब 10 सेलेबल। तो 1 फुट इज इक्वल टू 2 सेलेबल। और इसी के कितने ऐसे फुट यूज हुए उस लाइन में, पोइट्री की उस लाइन में, उसी से मीट्रिकल लाइन हमें पता चल जाती है। तो मोनो का मतलब होता है वन, मोनो मीन्स वन। तो अगर किसी लाइन में एक ही फुट है तो इट मीन्स वो लाइन क्या कहलाएगी? मोनोमीटर। अगर यहाँ 1 फुट है तो इसका मतलब सेलेबल के अकॉर्डिंग कितने हो गए? 2 सेलेबिक लाइन हो गई है। अगर उस लाइन में 2 फीट यूज हुए हैं, मीन्स 4 सेलेबल यूज हुए हैं, तो उस लाइन को बोला जाएगा डायमीटर। डाई का मतलब होता है 2। फिर अगर किसी लाइन में 3 फीट यूज हुए हैं, अगर सेलेबल के अकॉर्डिंग गए, तो इट मीन्स 6 सेलेबिक लाइन है वो, तो इंग्लिश में उसको बोला जाता है ट्राईमीटर। ट्राई मीन्स होता है 3। आई होप आप क्लास को एंजॉय कर रहे हैं, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें और इससे सभी अपने नोट्स बनाते चले जाइए। अगर किसी लाइन में 4 फीट यूज हुए हैं, इट मीन्स वो लाइन ऑक्टा सेलेबिक है, उसमें 8 सेलेबल यूज हुए हैं और उसको टेट्रामीटर बोला जाता है। ऑक्टो सेलेबिक इज इक्वल टू टेट्रामीटर, इट मीन्स यहाँ पर 4 फुट यूज हुए हैं, टेट्रा मीन्स 4। अब बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, पेंटामीटर लाइन में कितने फीट होते हैं? 5 फीट होते हैं। अगर ऑप्शन में फीट ना दिया जाए, सेलेबल दे दिया जाए, तो इट मीन्स यहाँ पर 10 सेलेबल हो गए और 10 सेलेबल को बोलते हैं डेका सेलेबिक, DECA। डेका सेलेबिक लाइन है पेंटामीटर। आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है? अगर ये 5 फुट आयम्बस फुट हो, मीन्स अनस्ट्रेस और स्ट्रेस करते हुए अगर ऐसे 5 फुट यूज हो जाए, तो वो लाइन बन जाती है आयम्बिक पेंटामीटर, जो विलियम शेक्सपियर ने अपनी पोएट्री में यूज किए हैं, हीरोइक कपलेट में यूज किए गए हैं, हीरोइक क्वार्टर में यूज किए गए हैं, और यही आयम्बिक पेंटामीटर यूज किया जाता है ब्लैंक वर्स में, वहां पे अनराइम्ड होता है। तो 5 फीट की अगर लाइन है तो उस लाइन को बोला जाएगा पेंटामीटर, पेंटा मीन्स 5। अगर ऐसे ही 6 फीट हो जाए, और इसका मतलब कितने सेलेबल यूज हुए? 12। इसमें कितने सेलेबल यूज हुए? 12, तो इसको बोला जाएगा हेक्सामीटर। ये लाइन कैसी हुई? हेक्सामीटर। हेक्सा मीन्स 6 होता है। यहाँ पर एक फैक्ट आ गया, हमने स्पेंसर एंड स्टेंजा पढ़ा था, उसमें देखे थे जो तो 9th लाइन थी वो अलेक्जेंड्राइन बोली जाती है, क्योंकि वो हेक्सामीटर में लिखी गई है। तो हेक्सामीटर क्या होता है? हमेशा अलेक्जेंड्राइन में यूज होता है और इसलिए हेक्सामीटर को अलेक्जेंड्राइन बोला जाता है। इज अ लाइन ऑफ 6 आयम्बिक फीट। अलेक्जेंड्राइन क्या है? हेक्सामीटर की वो लाइन जो आयम्बिक फीट के साथ लिखी गई है, आयम्बिक फीट में लिखी गई है, दैट इज अलेक्जेंड्राइन। और स्पेंसर एंड स्टेंजा की 9th अलेक्जेंड्रियन होती है, क्योंकि वो आयम्बिक हेक्सामीटर में लिखी गई है। तो यहाँ पर क्लियर है। अब बात करते हैं 7 फिट अगर हो जाए तो उसमें कितने सेलेबल यूज होंगे? 14। और इसी से वर्ड बना है 14 ईयर। एग्जाम में एक वर्ड आ सकता है, पूछा जा सकता है, 14 ईयर रेफर टू अ 14 सेलेबल इन अ लाइन, या फिर कह सकते हैं वो लाइन कैसी होगी अगर 7 फीट उसमें यूज हुए हैं, तो हेप्टामीटर हो गया। हेप्टा मीन्स 7। इस पॉइंट को एक बार और कर लेते हैं, 7 फीट हो गए, इट मीन्स वहां 14 सेलेबल हो गए, उसी के बेसिस पर इसका नाम रखा गया है 14 ईयर। और इस फुट वाले लाइन को मीट्रिकल वे में जानेंगे तो दैट इज कॉल्ड हेप्टामीटर। तो 14 ईयर इज अनदर टर्म फॉर लाइन ऑफ 7 आयम्बिक फीट। जैसे 6 आयम्बिक फीट की लाइन को एलेक्जेंड्रियन बोला जाता है, ऐसे ही 7 लाइन
7 आयम्बिक फीट की लाइन को फोर्टीनियर बोला जाता है। ये मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। आयम्बिक पेंटामीटर सब पढ़ते हैं, पेंटामीटर आयम्बिक पेंटामीटर सब पढ़ते हैं। अलेक्जेंड्रियन इंपोर्टेंट हो जाता है आयम्बिक के 6 फीट, मीन्स आयम्बिक हेक्सामीटर, और 14 ईयर क्या हो जाता है कि आयम के ही 7 फीट जब यूज किए गए हो दैट इज कॉल्ड 14 ईयर। नेक्स्ट ये लास्ट है, अगर किसी मीट्रिकल लाइन में 8 फुट यूज हुए हैं इट मीन्स वहां पर 16 सिलेबल यूज हुए हैं, तो दिस लाइन वुड बी ऑक्टामीटर। ऑक्टा मीन्स 8, इंग्लिश में ऐसा कोई यूज मैंने नहीं पढ़ा ऑक्टोमीटर का। सो देयर आर 8 मीटर्स ऑन द बेसिस ऑफ फुट एंड सेलेबल। तो 1 फुट इज मोनोमीटर, 2 फीट डायमीटर, 3 फीट ट्राइमीटर, टेट्रा फीट सॉरी 4 फीट टेट्रामीटर, 5 फीट पेंटामीटर, हेक्सामीटर 6 फीट होते हैं, और हेप्टामीटर में 7 फीट होता है, और ऑक्टामीटर में 8 फीट होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर आ जाता है आयम्बिक हेक्सामीटर मीन्स अलेक्जेंड्रियन, और आयम्बिक हेप्टामीटर मीन्स 14 ईयर। आई होप यू विल नॉट फॉरगेट दिस पॉइंट। सो हमने फुट मीटर और मेट्रिकल लाइन के बारे में जाना। आई होप दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू इन द एग्जाम एंड यू विल प्रिपेयर योर नोट्स, और डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू एवरीवन।